हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में कांगा सीरीज की कॉमिक झूठ बोले कौआ काटे का दूसरा और अंतिम भाग। कांगा को अपार श्रद्धा से देखा दिवाकर ने। तुम नहीं जानती कि मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है तुमने। दिवाकर की भावनाओं को समझकर बरबसी छलछला आई थी कांगा की भी आँखें। बावजूद कांगा को ना समझने पर भी दिवाकर ने पूरी कहानी उसे सुनाई। फिर मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं हत्यारा नहीं हूँ, लेकिन हालात ने मुझे हत्यारा साबित कर दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आज रात ही मधु और पल्लवी को लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा। उस रात दिवाकर वहाँ से निकलकर सीधा मधु के पास पहुँचा। उसे देखकर उछल पड़ी मधु, चीख कर लिपट गई पल्लवी। पापा, मैं आ गया हूँ मेरी बच्ची। यहाँ से फ़ौरन चलने की तैयारी करो मधु। लेकिन दहलीज पर उसका स्वागत किया दरिंदों की तरह मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर गजराज, के और मंत्री जी ने। हम जानते थे कि तू अपनी बीवी और बच्चे से मिलने ज़रूर आएगा, और जैसे ही तू यहाँ पहुँचा अपने मुखबिरों से खबर पाकर हम भी यहाँ पहुँचे। दिवाकर चीते के समान झपटा उस पर। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा कुत्तों। दिवाकर खिड़की की ओर लपका तो गजराज के रिवॉल्वर ने उगल दिया शोला, जो एकाएक ही सामने आ गई मधु के सीने के पार निकल गया। आ मम्मी, मधु! इंस्पेक्टर गजराज ने दिवाकर को जकड़ दिया बेड़ियों से और ले चला उसे जीप में डालकर। अब इस साले की हड्डियों को वैसे ही कूटेंगे जैसे मसाला कूटा जाता है। पापा, पापा! तभी तेज रफ्तार से आता एक ट्रक रौनता हुआ गुजर गया मासूम पल्लवी को। पल्लवी! और वह दृश्य देखने वालों में थे कांगा और बबलू भी। आती थी, वे शैतान दिवाकर अंकल को पकड़ कर ले गए और उनकी बच्ची ट्रक की चपेट में आ गई। दिवाकर अपना पर्स वहीं भूल आया था जिसे लौटाने ही पहुंचे थे बबलू और कांगा। दीदी, मधु आंटी को उन्हीं शैतानों ने गोली मारी होगी। बबलू के इशारों को कुछ कुछ समझने लगी थी वो। सुर्ख होती चली जा रही थी कांगा की आँखें और फिर जमकर हुआ क्रूरता का नंगा नाच। इसे फांसी के तख्ते तक पहुँचा कर ही मेरे दिल को तसल्ली होगी। और फिर लॉकअप में डाल दिया गया उसे। दिवाकर, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं तुझे तबाही से नहीं बचा पाया यार। हालात ने मुझे हत्यारा बना दिया शेखर। मैं जानता हूँ कि निर्दोष होने के बावजूद भी मेरा अंजाम मौत ही होगा। फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा मैं। लेकिन मौत अभी उससे दूर थी। अन्य को कैद अपराधियों के साथ ही उसे भी जेल वैन से ले जाया जा रहा था। वैन के जेल पहुंचने से पहले ही उनको कैद अपराधियों की फरारी की योजना बन चुकी थी। वैन का फर्श तोड़कर भागे कैदियों के साथ ही दिवाकर भी फरार हो गया। लेकिन अगले दो दिनों में इंस्पेक्टर स्पीड ने अपनी मुस्तैदी से सभी भगौड़े कैदियों को पकड़ लिया। हाथ ना आया तो सिर्फ दिवाकर। उस रहस्य में नकाबपोश की निगाहें उस जीप पर ही टिकी हुई थी जिसकी ओर बढ़ रहा था इंस्पेक्टर गजराज। डॉग रेस शुरू होने में अभी एक घंटा बाकी है, लेकिन अचानक इंस्पेक्टर स्पीड ने मुझे क्यों बुलाया? रहस्य में नकाबपोश की आंखों में बला की चमक उभर आई जब इंस्पेक्टर गजराज ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ा। आज 3-4 कुत्तों पर एक साथ मोटी रकम लगाऊंगा। लेकिन इसी पर ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ता इंस्पेक्टर गजराज बुरी तरह भिदक गया। अरे, मेरा रिवॉल्वर! चोर सामने ही निकला जा रहा था। इस चोर की मौत आ गई आज गजराज के हाथों। पीछे रेस में लगा पोछ बेहद विचलित सा उठा था। इधर मेन गेट से भीतर दाखिल हुआ इंस्पेक्टर गजराज और एक ज़बरदस्त विस्फोट के साथ जीप के परखच्चे उड़ते चले गए। इंस्पेक्टर गजराज अगर उस वक्त वह दृश्य देख लेता तो अपनी मौत की कल्पना से उसकी आत्मा तक काँप जाती। रेस में नकाब पोछ ने विवशता से जबड़े भीजते हुए अपने एक हाथ का घूंसा बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारा। जल्दी ही तुम्हें एक भयानक मौत दूंगा इंस्पेक्टर गजराज। उधर उस रिवॉल्वर चोर के पीछे तीर की तेजी के साथ दौड़ा जा रहा था इंस्पेक्टर गजराज। रुक जाओ, यह धमाका कैसे हुआ है बाहर? चोर एक कक्ष में प्रवेश करता चला गया और उसके पीछे इंस्पेक्टर गजराज भी आंधी की तरह भीतर समा गया। यहाँ से बचकर कहाँ जाएगा? कक्ष में आ गया इंस्पेक्टर गजराज जहाँ कुत्तों के भौंकने का जबरदस्त शोर मचा हुआ था। इस कक्ष के ठीक नीचे भूखे कुत्ते मौजूद हैं। इस कक्ष में मौजूद रेफ्रिजरेटरों में शायद मांस होगा। रेस के बाद इसी जाली को हटाकर कुत्तों के लिए मांस नीचे फेंका जाता होगा। ओह, मेरा रिवॉल्वर!
रिवॉल्वर की ओर बढ़ते उसके कदम सहसा ही ठिठक गए। मगर वह चोर कहाँ गया? उसने मेरा रिवॉल्वर क्यों चुराई? क्या वह मुझ पर घात लगाकर हमला कर सकता है? बेहद सतर्क नजर आने लगा था इंस्पेक्टर गजराज। इस कक्ष से बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब चोर अभी भी इसी कक्ष में मौजूद है। और चोर कहाँ मौजूद हो सकता है, इस बात का अनुमान लगाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना था। एक एक करके कई रेफ्रिजरेटर को खोलता चला गया वह, और उस समय उस अंतिम बचे रेफ्रिजरेटर को खोलने की अभी उसने कोशिश ही की थी कि उसका दरवाज़ा स्वयं एक झटके से खुला। हवा में लहराया वह साया जिसे देखकर इंस्पेक्टर गजराज की आंखें आश्चर्य से फट गई। काव काव, इतना तो मैं जान गई हूँ कि तेरे तन पर मौजूद ये वस्त्र जिसे पहनने को दिए जाते हैं उसका धर्म हो जाता है निर्दोष व भोले भाले लोगों की रक्षा करना। ओ गॉड, ये कौन है? कांगा के कंठ से निकलती कर्कश ध्वनि बेहद भयानक हो रही थी। काव, लेकिन तू इन पवित्र वस्त्रों की आड़ में भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। काव, उफ, जिसे आज मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगी। काव, काव, ये काँव काँव के अलावा कुछ नहीं बोल रही है। कैसी विचित्र लड़की है, लेकिन है खतरनाक। इससे फौरन निपटना होगा मुझे। गजब का फुर्तीला पुलिसिया था गजराज, लेकिन कम नहीं थी कांगा भी। काव, काव, धरती पर पहुँच कर मुझे पता चल गया था कि अपनी रक्षा के लिए मुझे खुद ही कोशिशें करनी होंगी। गजब की चमकीली आंखें इसकी, ये कोई साधारण लड़की लड़की नहीं है। ऊपर से आते सरों और कांगा के जिस्म से फूट रही कौओं की गंध से चीतों के आकार के बड़े बड़े खूंखार कुत्ते पागल हुए जा रहे थे। और वह समय होता है जबकि वे बिल्कुल भूखे होते थे। ऊपर जा रही थी भीषण जंग। अगर तुझे जिंदा रहना होता तो तू मेरे नाखूनों के निशानों को हमेशा याद रखता। भूखे भेड़िए की तरह गुर्राते हुए इंस्पेक्टर गजराज ने फ्रिज को कांगा की तरफ ढकेला। लेकिन जब कोई लड़ाका ऐसे वार और ऐसे अनावश्यक हथियारों का प्रयोग करने लगे तो समझो कि युद्ध में उसकी बुद्धि पर क्रोध व झल्लाट बुरी तरह हावी है, और ये उसकी हार की प्रथम निशानी होती है। काव, काव। कांगा के इस रूप ने बौखला दिया इंस्पेक्टर गजराज को। संभलने का भी समय नहीं मिला था गजराज को। रिवॉल्वर को झपट कर उठा लेने के अपने इरादे को कामयाब करने के लिए इंस्पेक्टर गजराज लुढ़क गया उस जाली की ओर। ये रिवॉल्वर जहाँ फेंक कर इसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल की है, और अब मैं इसे इसकी उस भूल पर पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। काव, काव। ये रिवॉल्वर उठाने की चेष्टा करके तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है शैतान। कोई साधारण इंसान होता तो शायद अब तक कुत्तों के बीच आ पड़ा होता। नहीं, उफ, ये भूखे कुत्ते मुझे फाड़ खाएंगे। मुझे ऊपर खींचो, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? तेरे आग्नेयास्त्र को उस जाली पर रखने का मेरा मकसद कुछ देर से ही सही, लेकिन पूरा तो हुआ, क्योंकि वह जाली पहले ही ढीली कर चुकी थी मैं। काव, काव, आ नहीं। कुत्तों की फाड़ खाने वाली भयानक गुर्राटों और इंस्पेक्टर गजराज की चीखों से गूंज गया वह कक्ष। दूर हटो, दूर हटो। खून से सुर्ख होता चला गया गजराज का जिस्म। दहशत सी टपकने लगी उसके चेहरे से। थाए, 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 थाए। गोलियों के 6 राउंड से 6 कुत्तों को पलक झपकते ही भून डाला उसने, और 7वें कुत्ते का दरिंदों की भांति गला भींच डाला। यू बास्टर्ड, जान पर आ बने तो कुछ भी कर गुजर सकता है इंसान। इधर बाहर डॉग रेस कोर्स दर्शकों से खचाखच भर चुका था, जबकि उधर गजराज के खून सने चेहरे पर एक बार फिर हावी हो रहा था आतंक। काव, उस कक्ष में आ पहुंची कांगा ने दबोच लिया गजराज को। काव, बड़ी सख्त जान है तू। अनायासी गजराज का हाथ उस लीवर पर पड़ गया। खट, वक्त से पहले ही मैकेनिकल खरगोश द्रुत वेग से बाहर निकलता तो हैरान रह गए डॉग रेस के दर्शक। अरे, रेस शुरू हो गई, मगर कुत्ते कहाँ हैं? रेस शुरू होने में तो अभी आधा घंटा बाकी था। इधर दांव लग गया था इस बार गजराज का। कांगा की गर्दन को अपनी बेल्ट में दबोचने में अप्रत्याशित रूप में सफल हुआ था। काली कुतिया, अब तब तक तेरी गर्दन नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरी जीभ कुत्ते की तरह बाहर नहीं निकल आएगी। अचानक ही गूंज उठा था भयानक मशीनी शोर, लेकिन जब तक इस शोर का रहस्य गजराज को पता चल पल्ले पड़ता। खचाक, उफ, मैकेनिकल खरगोश की नुकीली थूथन गजराज की पीठ में घुस गई, और खरगोश की तीव्र गति के कारण गजराज की लाश भी आगे को खिसती चली गई। प्रत्येक दर्शक वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। ओह गॉड, उफ, लाश, कोई पुलिस वाला लगता है। तहकीकात के बाद रेस कोर्स में उस समय मौजूद 3ों कर्मचारी बेहोश पाए गए। एक साथ हुए 2 हादसों ने
पुलिस की नींद हराम कर दी। इंस्पेक्टर गजराज की निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी जीप को बम से उड़ा दिया गया और इंस्पेक्टर स्पीड जैसे कानून के रक्षक केवल मुंह देखते रह गए। मैं हत्यारों को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा सर। हत्यारे? अत्यंत गंभीर था इंस्पेक्टर स्पीड का स्वर। यस सर, इंस्पेक्टर गजराज की हत्या की कोशिश दो हत्यारों ने की है। पहली कोशिश में एक हत्यारे ने इंस्पेक्टर गजराज को जीप में बम से उड़ा देने की कोशिश की और दूसरी कोशिश में दूसरा हत्यारा इंस्पेक्टर गजराज को योजनाबद्ध तरीके से मार डालने में सफल हो गया। क्योंकि अगर हत्यारा एक ही है तो एक ही समय पर हत्या करने के दो तरीके वह कभी इस्तेमाल में नहीं लाता, और इनमें से एक हत्यारा निश्चित रूप से दिवाकर है। इंस्पेक्टर स्पीड की भुक्तियों में बल पड़ गए। दिवाकर? मगर आप जानते हैं सर कि गायब होने से पूर्व वह हत्या कर पाने की स्थिति में नहीं था। वह हत्या कर पाने की स्थिति में था या नहीं, यह हम बाद में देखेंगे। पहले तुम दिवाकर को कहीं से भी ढूंढकर हमारे सामने लाओ। व्यवस्था से जबड़े भीज कर रह गया इंस्पेक्टर स्पीड। के टॉयज इंडस्ट्रीज का मालिक के, जिसकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी उस सफ़ेद घोड़े बादल की घुड़सवारी से। घोड़ा लाओ साहब। साहब अब्दुल गायब है तो घोड़ा तुम लाओ। बिजनेस के अलावा घोड़ों का ज़बरदस्त शौकीन था के। सेवक राम, अब्दुल के आने तक घोड़ों का चार्ज तुम संभालोगे। ठीक है साहब। और यही वो बलता जबकि उस रहस्यमय नकाब पोश की आंखें विचित्र व खौफनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। तेरी जिंदगी के थोड़े ही क्षण शेष रह गए के। उसी पल हक्का बक्का सा खड़ा रह गया नकाब पोश जब उसकी सोच के उम्मीदों पर ज़बरदस्त ढंग से पानी फिर गया। अरे आह! सेवक राम और कार ड्राइवर की आंखें भी आश्चर्य से बाहर कोबल पड़ी थी। हे भगवान, ये क्या बला है? अपने साहब को उठा ले गई। फौरन पुलिस को सूचना देनी होगी। लेकिन यहाँ इस फार्म हाउस पर तो साहब ने फ़ोन तक नहीं लगवाया ताकि कोई उन्हें परेशान ना करे। मैं घोड़ा लेकर शॉर्टकट से पुलिस चौकी तक जाता हूँ। पुलिस चौकी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। जल्दी करो। घोड़े की पीठ पर बैठकर उसे ऐण भी न लगा पाया था सेवक राम के अचानक उसके मुंह से एक आह सी फूट पड़ी। आ पके आम की तरह पट्ट से घोड़े की पीठ से नीचे आ गिरे सेवक राम के मुंह से ढेरों नीले झाग निकल रहे थे। आ, 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 सेवक राम! ड्राइवर के देखते ही देखते सेवक राम लाश में बदल गया था। इधर चीख चीख कर बुरा हाल था के का। कौन हो तुम? मुझे नीचे उतारो। बला की सुर्खी आ गई थी अब आंखों में, जो सिर्फ और सिर्फ कांगा की थी। का तेरे लिए एक भयानक मौत सोचकर आई हूँ मैं शैतान। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? लंबी उड़ान भरकर नीचे पहुंची कांगा और इसी पल उसकी कैद से बच निकलने का प्रयास करते केके के हाथों में उसने उसकी पीठ पर लगाम से जकड़ दिया। नहीं, छोड़ दो मुझे। एक बार फिर केके को लेकर हवा में उड़ गई कांगा। क्या करना चाहती है ये? उफ, कौन है ये? मेरी इससे क्या दुश्मनी है? रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें। इस बार कांगा ने होंठों पर एक क्रूर मुस्कान लाते हुए अपनी कैद से आज़ाद कर दिया केके को। का घबरा नहीं शैतान, ये ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि तेरी जान ही निकल जाए। तेरी जान तो मैं तड़पा तड़पा कर निकालूंगी। नहीं! कांगा के हाथों में दिखाई पड़ी दिवाली के पटाखों की कई लड़ियाँ। काँ काँ! इस आग ने विस्फोटकों की चोरी मैंने अपने मासूम और नन्हे दोस्त के घर से की है। नन्हे दोस्त से कांगा का यहाँ मतलब बबलू से। ना जाने क्या करने जा रही थी कांगा, अब केवल इन्हें अग्नि दिखानी बाकी है। और ये सारे काम वह कर रही थी अपनी छोटी छोटी उड़ान में, क्योंकि लगातार उड़ने में वह भी असमर्थी थी। इधर बीसियों घोड़ों के बीच आकर गिरा केके का जिस्म। मैं आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ मैं। और इसी पल कांगा की मंशा भाप कर आंखें दहशत से फट पड़ी केके की। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हवा में ही छूटने लगी थी आतिशबाजी। पट पटाक पट 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 क्लाक। अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके उठकर भागा केके। कोई है, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। लेकिन अगर वहाँ से भागना इतना ही आसान होता तो फिर कांगा इतना आसान रास्ता ना चुनती उसकी मौत का। पट पट पटाक 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 तड़ नहीं नहीं। पटाखों की ज़बरदस्त आवाज़ों ने बुरी तरह से भिथका दिया था सभी घोड़ों में। न जाने कितने घोड़ों के पाँव के नीचे बार बार कुचला केके का जिस्म। आ, आ। इधर हॉर्स रिंग का दरवाज़ा खोल देने के लिए रिंग की ओर बढ़ते ड्राइवर के सिर पर पड़ी वह चोट बेहोश होकर लुढ़क गया। वह लहूलुहान केके के बेजान हो गए जिस्म को देखकर कांगा के होठों पर उभरी बड़ी विचित्र और ख़तरनाक मुस्कान। मौत सभी के लिए उतनी ही भयानक साबित होती है, क्योंकि मौत का अर्थ मौत ही होता है। काँ काँ! इधर उग्र हो चुके घोड़े रिंग को तोड़कर अब बाहर निकल चुके थे। रिंग में अब पड़ी थी केके टॉयज इंडस्ट्रीज के मालिक केके की छत विछत लाश। इधर इंस्पेक्टर स्पीड की छानबीन में वही निष्कर्ष निकला कि
केके की हत्या की भी दो हत्यारों ने कोशिश की। पहले हत्यारे ने कोठी में छिद्र करके स्प्रिंग दार और पोटेशियम साइनाइड में डुबोई सुई एक निडल फिट पर फिट कर दी, लेकिन ड्राइवर के बयान के अनुसार केके काठी पर नहीं बैठ सके और उनके बदले मौत का शिकार सेवक राम हो गया और दूसरा हत्यारा उन्हें घोड़े के बीच फंसा कर मारने में कामयाब हो गया। सख्त तो उठा था कमिश्नर निज्जर का स्वर। केके साहब की हत्या के बाद ये बात अब निर्विवाद रूप से साबित हो गई है इंस्पेक्टर स्पीड कि यह हत्या खुद दिवाकर कर रहा है, और अगर हम ठीक सोच रहे हैं तो हत्यारे दिवाकर का अगला शिकार मंत्री जी हो सकते हैं। उफ, ठहरिए सर, अगर आप ये फ़ोन मंत्री जी को कर रहे हैं तो ज़रा रुकिए। क्यों? मेरे दिमाग में हत्यारों को धर दबोचने की योजना बन रही है सर। आप केवल मंत्री जी को इतना कह दें कि जो मैं कहूँ उस पर अमल किया जाए। बेहद उत्तेजित नज़र आने लगा था इंस्पेक्टर स्पीड। मगर तुम्हारी योजना क्या है सर? अगर आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको इस प्रश्न का जवाब आपको दे सकता हूँ। ओके, मैं मंत्री जी से कह देता हूँ, लेकिन सोच लो, किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कमिश्नर के उस फ़ोन के बाद से ही मंत्री जी बुरी तरह से अपसेट हो गए थे। मेरे 2 दिन तक के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, और हाँ, कोई इंस्पेक्टर स्पीड आए तो उसे फ़ौरन मेरे पास। सर, कोई इंस्पेक्टर स्पीड आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, इंस्पेक्टर स्पीड, उसे फ़ौरन मेरे विशेष कक्ष में भेजो। कुछ देर बाद, श्रीमान, मुझे इंस्पेक्टर स्पीड कहते हैं। मुझे कमिश्नर साहब ने, हाँ हाँ मतलब की बात कहो, हत्यारे को कैसे पकड़ोगे तुम? श्रीमान, हत्यारा हत्या कब और कैसे करेगा इस बात का अभी किसी को कुछ आभास तक नहीं है। कमाल है, जब पुलिस को यही पता नहीं है कि कब क्या और कैसे होगा तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम? यकीन कीजिए सर, लेकिन आपको मेरे और आप अपने बीच हुई बातचीत के एक एक अंश को बेहद गोपनीय रखना होगा, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। कमिश्नर साहब तुम्हारी काबिलियत की बड़ी तारीफ कर रहे थे। ठीक है, हम तुम पर भरोसा करते हैं और तुम्हें गोपनीयता का वचन देते हैं। गुड। इंस्पेक्टर स्पीड ने मंत्री जी की ओर बढ़ाई एक रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच? ये केवल एक रिस्ट वॉच नहीं है श्रीमान, इसमें एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो आपकी प्रत्येक बातचीत को मुझ तक पहुँचाएगा। जैसे ही हत्यारा आप तक पहुँचेगा, मुझे हत्यारे तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। उधर रेस में नकाब पोष के होंठों पर उस वक्त थिरक रही थी एक अजीब सी हंसी। हेलो, कौन? मंत्री? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत मंत्री, अब से ठीक 15 मिनट बाद एक विस्फोट होगा और उसके बाद खटाक। उस रेस में आवाज़ की कठोरता को भाप कर सहर गया मंत्री जी का जिस्म। 15 मिनट? यानी हत्यारे की धमकी के अनुसार ठीक 6 बजे? फ़ोन कॉल के सिर्फ 3 ही मिनट बाद हवा के झोंके के समान भीतर दाखिल हुआ इंस्पेक्टर स्पीड। हत्यारे ने क्या धमकी दी है सर? उसने कहा है कि ठीक 15 मिनट बाद यानी ठीक 6 बजे एक विस्फोट होगा। ये कहने के बाद वह ज़ोर से हंसा। बस हत्यारा ऐसा नहीं कर सकता सर, मेरे आदमी यहाँ से 3 मील तक चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। विस्फोट करने के लिए उसे यहाँ तो आना ही होगा, और तब वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्या वह हेलीकॉप्टर से मेरे निवास पर बम नहीं गिरा सकता? आप शायद भूल रहे हैं सर, VIPs के सरकारी निवास बम निरोधक बनाए जाते हैं, और वैसे भी हेलीकॉप्टर प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मैं इन 15 मिनटों में अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में हवा में रहूँगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है श्रीमान। प्रांगण में खड़ा हेलीकॉप्टर पूरी जाँच पड़ताल के बाद केवल 5 ही मिनट के अंदर आकाश में था। अब देखूंगा कि हत्यारा 15 मिनट में मुझे विस्फोट से कैसे उड़ाता है। समय अपनी पूरी रफ्तार से घड़ी की सुइयों के साथ आगे खिसक रहा था। हेलीकॉप्टर मंत्री जी के निवास के ऊपर ही चक्कर लगा रहा था। 10 मिनट तक जब हत्यारा कोई कोशिश नहीं कर पाया तो 5 मिनट में वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वैसे इन 5 मिनटों में किसी भी खतरे का सामना करने के लिए मैंने अपने साथ ही स्टेन गन रख ली है। तभी बहुत अचानक ही हुआ वैसा। काव, ये कौन है? उफ, ये उड़कर कैसे आ गई? बदवास से मंत्री जी ने स्टेन गन से गोलियां चला दी। चिंग 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 चिंग, बैंग बैंग बैंग। अग्नियास की भयंकरता को जानती थी कंगा, इसलिए अपने स्थान से हटने में उसने जरा से भी देरी नहीं की। जबकि कभी रिवॉल्वर तक न चलाने वाला मंत्री जी के हाथों ने जब स्टेन गन से गोलियों को दागा तो स्टेन गन ने गोलियों को आगे उछाला और मंत्री जी को पीछे पायलट पर। उफ, आ, आ। इधर नीचे खड़े इंस्पेक्टर स्पीड की आंखों में मंडराने लगा आतंक। ओह नो, हेलीकॉप्टर पर कांगा ने आक्रमण कर दिया और पायलट भी नीचे गिर रहा है। किस्मत का धनी निकला था पायलट। इधर चीख पड़े थे मंत्री जी, मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, कौन हो तुम? मुझे बचाओ वरना हम दोनों मारे जाएंगे। कांगा ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से मंत्री के गाल पर कई सुर्ख लकीरें खींच दी। काव, शैतान, तुझे खत्म करने के लिए आकाश में यह जगह अति उत्तम है। एकाएकी मंत्री जी ने एक किक कांगा के पेट में जड़ दी। तू हट चुड़ैल। का
इधर घड़ी की सुइयां अब भी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, टिक टिक, क्योंकि घड़ी का तो काम ही है चलते रहना। उफ, तो क्या सचमुच ठीक 6 बजे विस्फोट होने वाला था? लेकिन कैसे? आखिर बम कहाँ है? हत्यारे ने बम को कहाँ और कैसे प्लांट किया हुआ है? लेकिन कांगा से पीछा छुड़ाना भारी लगने लगा था मंत्री जी को। ओह, ये तो फिर आ गई। ये कौन है? ये कौए की तरह क्यों चिल्ला रही है? इस पर किसी कौए का भूत चढ़ा हुआ है क्या? ओ का का, तेरा अंत देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अनियंत्रित से हेलीकॉप्टर अब उस टावर की ओर बढ़ रहा था। पट 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 पट, बेवकूफ़ कौवी, हेलीकॉप्टर टावर की ओर बढ़ रहा है। अगर ये टावर से टकरा गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं इसकी भाषा नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस समय ये ज़िंदगी के लिए तड़प रहा है। अचानक मंत्री जी पर ना जाने क्या जुनून सवार हुआ कि वे कांगा को बलपूर्वक दरवाजे के निकट लाकर उसके सहित नीचे गिर गए। अब तो मुझे इसे भी बचाना ही पड़ेगा, वरना हम दोनों के शरीर टावर से टकरा कर खील खील होकर बिखर जाएंगे। उफ, इसी छीना झपटी में मंत्री जी के हाथ से रिस्ट वॉच खुलकर नीचे गिर पड़ी। उफ, इस प्रकार ज़मीन से टकरा कर तो मैं भी मारी जाऊंगी। इधर टावर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गया था हेलीकॉप्टर। इधर जीप दौड़ाए आ रहे इंस्पेक्टर स्पीड ने जिस शख्स को रिस्ट वॉच को लपकते हुए देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म थरथरा गया। ओ गॉड, नहीं नहीं, उफ, फेंक दो इसे, छोड़ दो उसे। इंस्पेक्टर स्पीड के जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई थी। इधर कांगा के मुंह से निकली कौए की तीव्र आवाज़ों ने वातावरण गुंजा दिया। काव काव काव, उफ, ये तो उड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर उतरने को तैयारी नहीं लग रही। लेकिन उन कर्कश आवाज़ों में छुपी थी एक पुकार। देखते देखते सैकड़ों हजारों कौओं से आकाश काला उठा। काव 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 काव, चीख चीख कर कांगा ना जाने क्या आदेश दे रही थी उन्हें। लेकिन उन सबका परिणाम बड़ा ही आश्चर्यजनक व हैरत अंगेज निकला। मिल गई मुझे आकाश पर ज़मीन। हैं, आकाश पर कौओं ने मिलकर ज़मीन बना दी? भोली भाली कांगा अपने प्रलंकारी रूप में मौत बनकर मंत्री के सामने खड़ी थी। का का, और अब इस जगह से तेरी लाश कोई नीचे भेजूंगी शैतान। थड़ाक, अद्भुत जंग थी वो, अद्भुत ज़मीन थी वो। कांगा की ठोकर से चीख पड़े मंत्री जी, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। ओह का, और मंत्री जी का दुर्भाग्य यह था कि कांगा को पृथ्वी की किसी की भी भाषा की जानकारी नहीं थी। थड़ाक, आ नहीं, कांगा के गले से कौए की भयानक कर्कश आवाजें निकली। का, इसी के साथ हवा में चित्रा गई कौओं की बनी हुई जमीन। नहीं आ, नीचे गिरते तरबूज के समान फट से फूट गई मंत्री जी की खोपड़ी। इधर जीप से उतरकर आंधी तूफान की तरह उस ओर लपका इंस्पेक्टर स्पीड। दिवाकर, फेंक दे उस रिश्वास को, उसमें बम है, वो फटने वाला है दिवाकर। पेपर्स में इंस्पेक्टर गजराज और केके की हत्याओं और 2 हत्यारों के बारे में पढ़कर मैं फौरन समझ गया था कि उनमें से 1 हत्यारा तो तू खुद है। यह जानने के बाद तेरा पीछा किया तो तुझे मंत्री जी को धमकी देते हुए मैंने खुद सुना। तूने मुझ पर हुए जुल्म का हिसाब लेने के लिए यह रास्ता क्यों चुना शेखर? क्यों? इसलिए मेरे भाई, क्योंकि मैं जानता था कि उन लोगों की पहुँच ऊँची है, उन्हें सदा के मुकाम तक पहुँचा पाना मेरे बूते में नहीं था। धन्य हो तुम शेखर, और धन्य है वो कौआ लड़की कांगा, जो हमारी जुबान तक नहीं समझती लेकिन फिर भी भावनाओं में बहकर तीनों जुल्मियों का अंत कर डाला उसने। दिवाकर, उस रिस्ट वॉच में मंत्री जी को मारने के लिए मैंने टाइम बम फिट किया था। फेंक दो उसे, वहीं रुक जा शेखर, वरना तेरी कसम इस ब्लेड से अपना गला काट लूंगा। क्या चाहता है तू? अखबार वालों ने इंस्पेक्टर गजराज और केके का संवाद हत्यारा मुझे घोषित किया है। तू अपना रिवॉल्वर मुझे दे, फिर मैं ये रिस्ट वॉच फेंक दूंगा। देख, सोचने में समय बर्बाद मत कर, बम फटने में सिर्फ 30 सेकंड रह गए। कठपुतली की तरह इंस्पेक्टर स्पीड ने आदेश पूरा किया। रिस्ट वॉच फेंक दे दिवाकर, जल्दी। काश दिवाकर के मनोभावों को समझ पाता वह। रिस्ट वॉच को एक तरफ उछाल दिया उसने। एक भीषण धमाके के साथ फट गया बम। इसी पल फुर्ती के साथ दिवाकर का रिवॉल्वर वाला हाथ अपने सीने पर पहुंचा। शेखर, अलविदा मेरे दोस्त, तेरे रिवॉल्वर से चली गोली से मेरा मरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तू अपने दोस्त की आत्मा की शांति चाहता है तो तुझे कहना होगा कि तूने ही ये गोली चलाई है मुझ पर, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर गजराज केके और मंत्री का हत्यारा हूँ। ये हत्याएं मैंने अपने घर वालों पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए की, जो मुझ पर इंस्पेक्टर गजराज केके और मंत्री ने किए थे। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा दिवाकर, अगर तूने ऐसा ना किया तो तेरा ये दोस्त तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा शेखर, कभी नहीं। थाए दिवाकर, भागते कदमों की आवाज़ें सुनकर मेरे अभागे हाथों ने अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के रिवॉल्वर को उठा लिया। तभी पुलिस फोर्स भी वहाँ पहुँची, और शायद यही विफलता जब कांगा ने मुझे रिवॉल्वर और दिवाकर की लाश के साथ मुझे ही उसका खूनी समझ लिया था। दिवाकर की नकली टांग का
रहस्य भी खुला। अरे, इसने अपनी लंगड़ी हो चुकी टांग पर नकली टांग चढ़ा ली थी। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अब आप ही यह निर्णय लें कि मैंने अच्छा किया या बुरा, मुझे ये मेडल लेने का अधिकार था या नहीं, मुझे ज़रूर बताएं। फैसला आपके हाथों में। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कांगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स फांसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।